कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस 100 डे पाइथन कोर्स में। यह हमारा डे 3 का कंटिन्यू कोर्स है एंड आज के इस कोर्स में हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरैक्टिव कोडिंग एक्सरसाइज को लेके आए हैं जिसका नाम है लव कैलकुलेटर। क्या बोला तूने? आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज करके कैसे दो प्राणियों के बीच में कितना सच्चा प्यार मौजूद है उसे पता कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक आर्टिकल को देखेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल आ जाऊंगा अपने ब्राउजर में। मैं यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स यूज करता हूँ, तो मैं सिंपल ब्राउजर में आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं सिंपल और अपने ब्राउजर में आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा लव कैलकुलेटर बजफीड। ये बजफीड वालों ने एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, आपको चाहिए तो ये साइड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने सिंपल तरीका बताया है कि किस तरीके से दो लोगों के बीच में कितना सच्चा प्यार है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है एंड देन आपको अपने क्रश का नाम लिखना है एंड वहाँ पे आपको सर्च करना है कि ट्रू लव कितनी बार आता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे टी सर्च करूंगा, तो इन दोनों के नाम में टी खाली दो बार आया है तो यहाँ पे दो आ जाएगा। आर यहाँ पे दो बार आया है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे दो आ जाएगा। यू यहाँ पे देखिए एक बार आया खाली, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ई भी यहाँ पे एक बार आया है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद मैं लव के लिए ढूंढूंगा, तो लव के लिए एल जो है वो यहाँ पे एक बार आया है खाली, ओ जो है वो भी एक बार आया है, वी इन दोनों के नाम में आया ही नहीं है एंड ई देखिए यहाँ पे क्या ई है यहाँ पे, हाँ ई भी है यहाँ पे। तो अब मैं ट्रू को ऐड कर लूंगा, यहाँ पे 6 आ गया एंड लव में से 1, 2, 3 यहाँ पे 63, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में 63% सच्चा लव है। तो सवाल उठता है कि हम लोग इसके लिए प्रोग्राम क्यों बनाए, इतनी मगजमारी क्यों करें। इसको सिंपल हम लोग पेन और पेपर का यूज करके लिख के वहाँ पे मैनुअली भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यार देखो, उस प्रोसेस में आपको पहले नाम लिखना पड़ेगा, फिर आपकी क्रश का नाम लिखना पड़ेगा एंड देन आपको उसमें से लेटर्स को ढूंढने पड़ेंगे, कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है, देन आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। हमारे पास जब इतना बड़ा सिस्टम कंप्यूटर है तो क्यों ना हम उसका यूज करें, उसका हम लोग यूटिलाइज करें अपने डे टू डे लाइफ में अंदर। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो हम लोग अपने उसी काम को बहुत ही आसानी से और कम टाइम में इफेक्टिवली किस तरीके से कर सकें, उसी के लिए आज हम लोग ये लव कैलकुलेटर जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और अपने डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं अपनी पाइथन की फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड के साथ यहाँ पे ओपन करूंगा और ये फटाफट से मेरे सिस्टम के अंदर ओपन होके आ जाएगी। ये वो प्रोजेक्ट कोड है जो हमने अपने लास्ट वीडियो में परफॉर्म किया था। तो आज के लिए मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे रिमूव करूंगा, कट करूंगा, खाली करूंगा एंड अब हम लोग यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने लव कैलकुलेटर में आप सभी का स्वागत करूंगा एंड स्वागत के लिए आप सभी को पता है कि मैं एक ही चीज यूज करता हूँ, एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेलकम टू द लव कैलकुलेटर। देन मैं यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछूंगा एंड नाम पूछने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा एंड उसके अंदर मैं लिख दूंगा व्हाट इज योर नेम एंड उसके बाद मैं आपकी बंदी का नाम पूछूंगा व्हाट इज देयर नेम एंड मैं यहाँ पे आपके नाम को नेम वन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा एंड आपकी बंदी का नाम नेम टू नाम के वेरिएबल से स्टोर करूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग आप दोनों के नाम से ट्रू लव के जो स्पेलिंग्स हैं उनको ढूंढेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप दोनों का जो नाम है वो कंबाइन होना चाहिए, यानी कि वो दो अलग अलग स्ट्रिंग के बदले एक ही स्ट्रिंग होना चाहिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे नेम वन और नेम टू को सिंपल एड कर दूंगा, इन दोनों को मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा कंबाइन स्ट्रिंग। सो अभी मैं आपको यहाँ पे इतना प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये जो कंबाइन स्ट्रिंग है ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए, इसने नाम पूछा है और मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है एंड उसके बाद उसने उनका नाम पूछा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। यहाँ पे देखिए, जो ये नाम लिखने वाला आ रहा है ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, यानी कि ये जिस लाइन में क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बिलो वाली लाइन में जो है वो इनपुट को रिसीव करना चाहिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे बैक स्लैश एन का यूज़ करूँगा। ये बैक स्लैश एन मेरे को फैसिलिटी देता है कि मैं अगले वाले नए वाले लाइन में अपने इनपुट को प्रिंट करा सकूँ। तो अब देखिए, अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को यहाँ पे रन करूंगा ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पे ये अभी नए वाले लाइन में जो है वो मेरा नाम रिसीव करने के लिए तैयार हो गया है। इट लुक्स गुड, अभी ये दिखने में थोड़ा खूबसूरत दिख रहा है। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर जो यूजर है उसने स्मॉल लेटर के बदले अगर उसने सारे के सारे कैपिटल लेटर ही डाल दिए एंड अगर उसने स्मॉल कैपिटल मिक्स करके डाल दिए तो ऐसे टाइम पे हमारा जो फंक्शन है वो तो टूट जाएगा, यानी कि वो तो काम करना बंद कर देगा बिकॉज वो इन लोगों को पहचान ही नहीं पाएगा कि ये लोग कौन है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दूंगा। तो होगा क्या कि जब भी बंदा जो है अगर वो स्मॉल लेटर में नाम को डालेगा तो हमारा सिस्टम उसको पकड़ लेगा एंड अगर बंदा चाह के भी कैपिटल लेटर में डालेगा तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। सो लोअर केस के लिए मैं यहाँ पे जो मैंने कंबाइंड स्ट्रिंग बनाया है इसको सिंपल में लोअर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा बाय जस्ट एडिंग डॉट लोअर एंड अब मैं इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा लोअर केस स्ट्रिंग।
अब यहाँ पे दोनों का नाम कंबाइन हो चुका है एंड अब इस कंबाइन नेम में से मैं ट्रू लव जो वर्ड है उसको देखना चाहूंगा कि वो कितनी बार आए हैं। सो ट्रू लव में सबसे पहले टी आता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टी के लिए सर्च करूंगा कि टी इन दोनों के नाम में कितनी बार आया है। देन मैं सर्च करूंगा कि आर कितनी बार आया है इन दोनों के नाम में। देन मैं यहाँ पे सर्च करूंगा यू कितनी बार आया है इन दोनों के नाम में। देन ई कितनी बार आया है एंड उसके बाद मैं इन लोग को एड कर दूंगा। पहले मैं सर्च करूंगा टी के लिए, फिर आर के लिए, फिर यू के लिए एंड फिर ई के लिए, फिर इन सबको मैं सिंपल एड कर दूंगा। अभी मैं टी को ढूंढूंगा उन दोनों के नाम में से, तो उन दोनों का नाम कौन से वेरिएबल में स्टोर है, उन दोनों का नाम स्टोर है इस लोअर केस स्ट्रिंग के अंदर। तो सिंपल मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पे आके सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगा। टी को मुझे यहां पे काउंट करना है, सो यहां पे मैं काउंट फंक्शन का यूज करूंगा एंड मैं यहां पे टी लिख दूंगा। टी के बाद मैं यहां पे आर काउंट करूंगा कि आर कितनी बार है, तो सिंपल मुझे आर जो है वो भी मुझे लोअर केस स्ट्रिंग्स मिल जाएगा एंड मैं यहां पे आर को भी काउंट करना चाहता हूं, सो मैं सिंपल यहां पे काउंट फंक्शन का यूज कर लूंगा एंड आर को काउंट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे आर को मेंशन कर दूंगा। एंड आर के बाद मैं यहाँ पे यू को काउंट करना चाहता हूँ, सो मुझे यू की जो वैल्यू है वो ही मुझे लोअर केस स्ट्रिंग से मिल जाएगी एंड उसको भी मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ एंड मैं यहाँ पे यू को मेंशन कर दूंगा। एंड यू के बाद मैं यहाँ पे ई को लिखूंगा बिकॉज मैं यहाँ पे ई को काउंट करना चाहता हूँ एंड ई की जो वैल्यू है वो मुझे लोअर केस स्ट्रिंग से मिल जाएगी। काउंट फंक्शन का यूज करके मैं यहाँ पे ई को मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो टी है, आर है, ये यू एंड ई, इन सबको मैं यहाँ पे सिंपल एड करूंगा एंड एड करने के बाद इनको ट्रू नाम के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लव के लिए, लव के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एल को काउंट करूंगा, तो एल की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, एल की वैल्यू मुझे लोअर केस स्ट्रिंग से मिल जाएगी एंड मैं अब यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि मैं एल को काउंट करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद मुझे ओ की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, ओ की वैल्यू भी मुझे लोअर केस स्ट्रिंग से मिल जाएगी। मैं यहाँ पे ओ को भी काउंट करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे ओ को मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे वी को काउंट करना चाहता हूँ, सो उसके लिए मैं यहाँ पे v की वैल्यू भी मुझे लोअर केस स्ट्रिंग से मिल जाएगी। मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज कर लूंगा एंड काउंट फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे v को मेंशन कर दूंगा एंड ये जो e है इसकी वैल्यू भी मुझे लोअर केस स्ट्रिंग से मिल जाएगी। इसको भी काउंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करूंगा एंड मैं यहाँ पे ई को मेंशन कर दूंगा। इसके बाद मैं सेम जैसे मैंने ट्रू को ऐड किया है, सम किया है, उसी तरीके से मैं एल को भी सिंपल यहाँ पे सम करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपल एल को भी सम ऐड करूंगा, L O V E एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं लव नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। अब यहाँ पे जो ट्रू है एंड जो लव है इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, इन दोनों को मैं यहाँ पे लव स्कोर नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। क्योंकि ये ट्रू एंड लव ये इंटीजर है तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे str फंक्शन का यूज करके इनको स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल मैं अपने कोड को यहाँ पे रन कर दूंगा एंड जैसे मैं अपने यहाँ पे कोड को रन करूंगा ये मेरे से नाम पूछ लेगा, तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे दूंगा विपिन एंड उसका देयर नेम तो मैं यहाँ लिख दूंगा मानधना। ओके एंड यहाँ पे देखिए लव स्कोर 00 आ गया है, इट मींस मेरा और उसका नाम में कोई भी टी नहीं है, कोई भी आर नहीं है एंड पूरा का पूरा ट्रू लव में से कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सो लव स्कोर जो है यहाँ पे 00 आ रहा है। सो गाइस इस तरीके से कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं लव स्कोर को एंड अब मैं चाहता हूँ कि कुछ कंडीशंस को भी इसके अंदर ऐड करूँ। सो कंडीशंस को ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले प्रिंट लव स्कोर को यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि प्रिंट तो आखिरी में करना है मुझे यहाँ पे एंड अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स को ऐड करूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा कि अगर ये जो लव स्कोर है अगर इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा रहती है, अगर इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा रहती है मैं यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, और ये जो लव स्कोर है अगर इसकी वैल्यू 90 से कम होती है, 10 से ज़्यादा होती है एंड 90 से कम होती है, ऐसे केस में यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए कि योर लव स्कोर इज लव अंडरस्कोर SCOR स्कोर एंड ब्रैकेट से बाहर निकल के कॉमा एंड आप अपनी ज़िंदगी में टॉम एंड जेरी की तरह रहेंगे, यू गो टुगेदर लाइक टॉम एंड जेरी। अब इसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा बिकॉज ये जो लव स्कोर है ये प्रिंट होकर आएगा नहीं जब तक मैं एफ स्ट्रिंग का यूज नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करा दूंगा योर स्कोर इज ब्रैकेट लव स्कोर एंड बाय बाय दैट्स इट। अब इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा, बाय बाय थोड़ा सा ब्रैकेट के बाहर पैरेंथेसिस के बाहर निकल गया, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा, तो अभी ये बराबर है। यहाँ पे देखिए ये D3 आपका लाल हो जाएगा अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो। क्यों ना यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करें, अगर आपका लव स्कोर 40 के आसपास है उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल एलिफ कंडीशन का यूज करूंगा एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लव स्कोर की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 रहती है एंड अब मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा एंड ये जो लव स्कोर है अगर इसकी वैल्यू
लेस देन इक्वल टू 50 होती है, यानी कि 40 से 50 के बीच में रहती है। तो यहाँ पे प्रिंट होकर आना चाहिए, सबसे पहले तो आपका लव स्कोर, योर लव स्कोर इज ब्रैकेट लव अंडरस्कोर स्कोर, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा ब्रैकेट से निकल के, एंड मैं यहाँ लिख दूंगा यू आर ऑल राइट टूगेदर, एंड इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर दूंगा। अब इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, एंड अब जैसे मैं अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे मुझे नाम पूछ लेगा, तो मैं यहाँ पे बिपिन लिख दूंगा अपना नाम, एंड देन मैं फिर यहाँ पे अपनी क्रश का नाम लिख दूंगा मानधाना, एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स आ गए, इफ लव स्कोर इज ग्रेटर देन 90, ओके यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल सबसे पहले ये जो लव स्कोर है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस लव स्कोर को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, पूरा का पूरा लव स्कोर को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज ये मैथमेटिकल ऑपरेशन स्ट्रिंग में परफॉर्म नहीं होते हैं, सो हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ा बाई यूजिंग इंट फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं अपने इस कोड को रन करूँगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यार, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अपना नाम लिख दो बिपिन, फिर यहाँ पे मानधना, एंड अब देखिए यहाँ पे योर लव स्कोर इज 0, यू गो टुगेदर लाइक टॉम एंड जेरी, आपका लव स्कोर 0 है एंड आप टॉम एंड जेरी की तरह जा सकते हैं। सो आज का जो हमारा टारगेट था वो हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। आप यहाँ पे किसी का भी नाम डाल के चेक कर सकते हैं, आपका जिसका मन करे आप उसका डालिए यहाँ पे। सो इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा कि किस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स को कनकनेट करा सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड अगर मुझे उसी स्ट्रिंग के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग इंट फंक्शन। यहाँ पे हमने वेरिएबल को बनाना सीखा, किस तरीके से हम वेरिएबल को बना सकते हैं, किस तरीके से हम काउंट ले सकते हैं किसी भी वेरिएबल में से बाय यूजिंग काउंट फंक्शन। अगर बंदा यहाँ पे कैपिटल लेटर के बदले स्मॉल लेटर डालता है एंड स्मॉल के बदले कैपिटल लेटर डालता है तो उसका भी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डॉट लोअर फंक्शन का यूज कर रहे हैं। एंड अगर आप लोगों को नए लाइन में इनपुट लेना है तो आप यहाँ पे बैक स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। सो गाइस एट द एंड हमने आज के इस अपने प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें जो है उसे सीख ली हैं। सो अगर आप लोगों को ये कोड चैलेंज पूरा करने में कोई तकलीफ हुई हो तो यार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए, एंड अगर आप लोगों ने हमारे साथ चैलेंज को पूरा कर लिया है तो बी रेडी गाइस फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, एंड अगर आप लोगों ने नहीं समझ पाए हैं इसको तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप, गारंटी है आपको ये समझ जाएगा। एंड अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है तो हमें इंस्टा पे डीएम करिए, साथ ही साथ में आप अपनी कोई भी तकलीफ हमसे पे भी शेयर कर सकते हैं, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड बारकोड आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आइए फटाफट से इंस्टा एंड टेलीग्राम पे और जुड़ जाइए हमारे साथ, एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और यार जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।